ये खबर। गढ़ी माल्यान मुक्तिधाम के शव वाहन चालान मामले में एसपी से मिली विधायक बघेल। पुलिस विभाग की ओर से शव वाहन में शमशान के लिए ले जाए जा रहे सामान को बताया गया था अवैध परिवहन। चार दिन पहले क्लॉक टावर थाना पुलिस द्वारा नाकाबंदी के दौरान सब इंस्पेक्टर भीम सिंह द्वारा गढ़ी माल्यान शमशान स्थल के शव वाहन का 2100 रुपये का चालान काट दिया गया था, जिस पर गढ़ी माल्यान मुक्तिधाम विकास समिति द्वारा जिला कलेक्टर व एसपी को ज्ञापन देकर पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई का विरोध किया गया था। आज इसी मामले में दक्षिण विधायक अनिता बघेल ने मुक्तिधाम विकास समिति के पदाधिकारियों के साथ पुलिस कप्तान जगदीश चंद्र शर्मा से मुलाकात कर वस्तु स्थिति की जानकारी देकर निष्पक्ष जांच कराने और न्याय संगत कार्रवाई करने की मांग की है। बघेल ने बताया कि शमशान स्थल के लिए भामाशाहों द्वारा शवों को ले जाने और शमशान स्थल के सामान को लाने ले जाने के लिए वाहन दिया गया है, जिसको सिर्फ शमशान के कामों में ही लिया जाता है। ऐसे में सेवा के काम में आ रहे वाहन का अगर पुलिस चालान काटेगी तो लोग सेवा करने से कतराएंगे, इसलिए पुलिस कप्तान खुद मामले में हस्तक्षेप कर निष्पक्ष जांच कराएं ताकि आगे से इस तरह के कार्य ना हों। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। क्या कारण रहा एसपी साहब के पास? देखिए, एसपी साहब के पास में जो शिकायत लेके आई है, वो शिकायत जो हमारे गड्डी मुक्ति धाम में जो शव वाहन के लिए किसी ने डोनेट किया है, उस शव वाहन से भी जो है पुलिस द्वारा अवैध वसूली की कोशिश की गई, और जब उसको अवैध वसूली नहीं मिली क्योंकि वाहन चालक के पास पैसे नहीं थे, तो उस गाड़ी का चालान किया गया और ये कह कर के चालान किया गया कि इसमें अवैध सामग्रियों का इस्तेमाल हो रहा था, जबकि पूरा वीडियो है। आज पुलिस अधीक्षक की जगह तरफ से जो नोट प्रेस को रिलीज हुआ, उसमें वो पाइप दिखाए गए हैं, लेकिन वो पाइप जो है वो शवों की चिता को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होते थे। जब पीक पर कोरोना था, उस समय मुक्तिधाम में जगह नहीं होती थी शवों को जलाने के लिए, और उस वजह से वो फूल जो चुनने के लिए लोग जाते थे, वो अस्थि चुनने के लिए उस जो राख होती थी उसको ठंडा करते थे, ठंडा करके वो अस्थियाँ चुनते थे, इसलिए वो पाइप इस्तेमाल होता था, है ना। और सिर्फ पाइप तो कोई अवैध चीज़ है नहीं, कोई फांसी नहीं लगती उस पाइप से, उसमें नारियल थे, हवन सामग्री थी, गंगा जल था, और उसके बावजूद भी उस वाहन का चालान किया गया। ना केवल चालान किया गया बल्कि आज प्रेस रिलीज की करवाई गई अधीक्षक महोदय के यहाँ से, जो कि अधीक्षक महोदय को पता नहीं है कि हमने ऐसा ऐसा चालान किया है जो यूं है, फलाना है, ढिमका है। जब शव वाहन जो कोई आदमी सेवा दे रहा है, उस सेवा में भी आप अवैध वसूली करोगे, और अवैध वसूली नहीं, यदि कोई आदमी दे नहीं सकता अवैध रूप से पैसा, तो आप उसका चालान बनाओगे, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। इस बात की शिकायत के लिए मैं और हमारे जो गड्डी से जो हमारे पार्षद पति हैं वो मेरे साथ आए इस शिकायत को लेकर के, और महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से उस शिकायत को जो पूरे अच्छे तरह से निस्तारण किया जाएगा, उसकी जाँच की जाएगी, दोषी व्यक्ति को जो है सजा मिलेगी।